हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ऑटो सुनिक पे। सो आज मैं आपको ऐसी लो कॉस्ट मोटरिंग कार कंपनी के बारे में बताने वाला हूँ जो अपने जर्नी में फेल हुई है। सो इस कंपनी का नाम है डैटसन। टाटा नैनो भी उसी कारण से खरीदारों का दिल जीतने में विफल रही थी, जो इस बात पर केंद्रित है कि इसे बनाने के साथ साथ इसकी मार्केटिंग कैसे की गई। डैटसन ब्रांड को भारत में निसान के लिए एक बजट ब्रांड के रूप में लॉन्च किया गया था ताकि कम लागत वाले मास मार्केट सेगमेंट में अपील की जा सके। निसान को अप मार्केट माना जा रहा था क्योंकि डैटसन को मारुति अल्टो से टक्कर लेने के लिए तैयार किया जा रहा था और कम लागत में यह मोटरिंग थी जो खरीदारों को पसंद नहीं आई। डैटसन को अपनी लागत में सुविधाओं की कमी और मारुति को टक्कर देने के लिए पर्याप्त रूप से पैक नहीं होने के कारण सफल और असफल नहीं रहे। डैटसन ब्रांड को 2014 में लॉन्च किया गया था और बजट कार खरीदार के लिए एक विशाल छोटी कार बनाने का विचार था, लेकिन फिर से एक उचित इंटीरियर सुविधाओं और खराब गुणवत्ता की कमी के कारण यह विफल हो गया। बाद में लॉन्च किए गए डैटसन गो प्लस भी 4 मीटर से कम में 3 पंक्ति वाली कार होने के बावजूद अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सके। गुणवत्ता की कमी का भी सामना करना पड़ा। खराब क्रैश टेस्ट के परिणाम या शक्तिशाली मारुति को टक्कर देने के लिए एक उचित नेटवर्क की कमी का मतलब डैटसन की बाद की कार रेडिगो के साथ आशा की एकमात्र झिलमिलाहट थी, लेकिन वह रेनॉल्ट क्विड के रूप में बहुत कम लोकप्रिय होने के कारण बेचने में विफल रही। रेडिगो को कि इसने कभी अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। डैटसन ब्रांड के बंद होने के बाद अब निसान पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। मौजूदा डैटसन सपोर्ट मालिक होंगे सेवा के स्पेयर पार्ट्स की उपलब्धता भी होगी। दिलचस्प बात यह है कि मौजूदा मैग्नाइट को पहले डैटसन कॉन्सेप्ट के रूप में दिखाया गया था, लेकिन मैग्नाइट की सफलता इस बात पर है कि यह पैकेजिंग के साथ कितना प्रीमियम है, जिस पर डैटसन ब्रांड विफल रहा। सो गाइस, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना।